गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अरे तुमने गुड मॉर्निंग करा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, चाकू भी दिखा था। अच्छा तो मैं आपको ये बता दूं, तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इनकी छुट्टी आज अचानक वाली छुट्टी हो गई। तो अब सुबह सुबह, कल रात को वैसे देर हो गई थी सोते सोते, और सुबह सुबह थोड़ा लेट उठे हैं, तो मैंने सोचा आप पढ़ने क्या बैठाऊँ, कुछ मतलब तैयारी नहीं करा कराई थी मैंने कि क्या पढ़ने बैठाना। तो मैं सोचा इनको आलू ही छिलवा लेती हूँ। तो मैंने कल वो डोसे का वो तैयार कर लिया था, बैटर तैयार कर लिया था, और उसको हम सांभर वगैरह के साथ नहीं खाते, हम आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। ये रहे आलू और ये दोनों। तो आज मैं इनको आलू छिलवा लूँगी। आलू आ गए, आलू छीलने वाले, छीलने वाले ये रहे ना आलू, ये रहे। चलो अब छीलो, चलो दो छीलो छीलो छीलो। अरे ऐसे नहीं, चाकू से नहीं, इनको आलू भी नहीं छीलने आते, चाकू में छील रहे हैं। मैं तो सोचता था कि चाकू चाकू ऐसे नहीं, अरे मैं सोचता था चाकू ऐसे, ये पकड़ देगा ऐसे, चाकू था ना इसे मैंने, अरे ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे पकड़ा ये छीला, जहाँ था ऐसे निकलता छेल। अभी ईवान का बच्चा ना, मतलब ईवान ना, तो उन पर सीधे काम करेगा, छीलेगा छीलेगा, सारा दिख रहा है कैमरे में, रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे छील रहा है। जितनी जल्दी ये छिलवाएंगे, जितने अच्छे से छिलाएंगे, उतना अच्छा खाने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, पता है ना तुम्हें। आलू छिलवा के सीधा नहा, ओह माय गॉड, छिल गया, इतनी जल्दी छिल गया, तू कर रहा है क्या? मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है आलू तो मैं ही छिलूंगी, ये खाली ना बैठ के ना उसको वो उसकी रिसर्च मारेंगे खाली। आलू इनसे नहीं, इनसे ना छीलेंगे भैया, आलू आलू छील, आलू भी ना छील सकते, ये तीन आलू मैंने छील दिए, ये अपना एक एक पकड़ के बैठे हुए। शक्ल दिखाओ वहाँ पर अपनी असफलता की, शक्ल दिखाओ, दिखाओ आलू भी दिखाओ अपना, ऐसे पकड़ के छीलेगा वो, ऐसे नीचे रखा रहा तो नहीं छीलेगा। अरे बाबा चुप चुप, इन्होंने तो एक एक आलू छिलाए, तीन देर में एक ही आलू पकड़ के अरे तीन तीन कर रहे हैं, दो कह रहा है, तीन मैंने दो, मैंने दो, मैंने दो, दो 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 दो, लेकिन कैमरे के पीछे से बोल रहे क्योंकि शक्ल मिला चेहरा सामने कर रही थी, तीन तीन करे हैं, तीन तीन नहीं, मैंने भी देखिए एक ही आलू पकड़ लिया, सारे आलू पकड़े। तो अब मैं इनको काट लेती हूँ, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी एक साइड में आलू चढ़ाती हूँ, आलू मतलब थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसका मसाला थोड़ा सा हो जाएगा, फटाफट डोसा चढ़ा दूंगी साइड साइड। डोसा बनने वाला है? हाँ हाँ, डोसा। तो इसमें मैं डालूंगी एक प्याज, एक प्याज को मैं काट लेती हूँ इसको, और इसमें थोड़ा सा मसाला डलेगा, मतलब ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मसाला डालेगा, और टमाटर प्याज और जीरे का तड़का। और हम इसको मसाला डोसा नहीं बनाएंगे, मतलब इसके अंदर में ना वो नहीं डालेंगे, डोसे के अंदर में आलू नहीं डालेंगे हम, मतलब रोटी सब्जी इस तरह खाएंगे, आलू की सब्जी प्लस डोसा, और सांभर वाम्बर कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो बना के भी फायदा नहीं, तो ये इसको मैं कर लेती हूँ।
अब ये तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, इसको करती हूँ मैं थोड़ा सा सीम। ये डालती हूँ इसमें जीरा, ये डालती हूँ थोड़ी सी नीम और ये प्याज और हरी मिर्च। फटाफट से ये टमाटर वगैरह काट के डाल देती हूँ और मसाले वगैरह सारे डाल देती हूँ। मसाले वो ये हैं, क्या कहते हैं, लाल मिर्च थोड़ी सी, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। यह है खाने के लिए आया है ये तो फिर तो मैं डालती हूँ इसको फटाफट करती हूँ। फिर मेरे को इसमें डोसा भी बनाना है, डोसे का मैं दिखा दूंगी कि बैटर कितना पतला करना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है। देखते हैं कि पहला बनता है, कभी कभी पहला दूसरा बनता ही नहीं, तीसरे से स्टार्ट कभी कभी पहला बन जाता है। और ये भी इसमें काफ़ी अच्छा सा धुआं होता है, इसमें से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कैमरा में, तभी मैं इसको डालती हूँ। इसको पहले सिम कर देती हूँ, इसको डाला और इसको हल्का हल्का सा ब्रेड किया। देखते पकता है, पकता अब इस वाले पलटे से मैं बता दूंगी। ये जो पल आए थे जिसमें मेरे हस्बैंड बोले थे दाल निकाल दी है, दाल दाल निकलता है, ये सब किलो होता है। नीचे से कैसा हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पहले वाले में, जैसे जैसे ये छूटने लगेगा ना, जैसे जैसे ये छूटने लगेगा हल्का हल्का, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, ये थोड़ी थोड़ी सी। ये हो गया हटा, फिर खाना ये हो गया, निकल गया पूरा पूरा थोड़ा निकल दिखेगा। ज़्यादा देर मैं यहाँ पर कर ली तो फिर मैं इसको पलट देती हूँ, इसको ये पलट पका हो गया, मतलब बन गया, बनते जाएंगे बनते जाएंगे।
आज अभी खाना खाने तो दोस्तों मैं बता दूँ, अब हमारा नाश्ता हो चुका है, डोसा और आलू की सब्जी। डोसे बाद में एकदम परफेक्टली बन रहे थे, अच्छे अच्छे, तो सबने हम लोगों ने खा लिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आलू में क्या क्या मसाले डालेंगे, तो मैंने उसमें गर्म मसाला खोल दिया था। गर्म मसाला उसमें नहीं डलेगा, उसमें जीरा पाउडर डलेगा, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च। हरी मिर्च तो टमाटर प्याज के साथ डल जाएगी, बाकी सूखे मसाले में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। बस इसी से हम बना लेंगे ये रेसिपी, और फटाफट बन जाती है। बहुत लोगों को आती भी है, जिन्हें नहीं आती तो उसमें से देख लेना। और आज का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ, मतलब ये वाला डोसे वाला ब्लॉग, आधे दिन का ब्लॉग अभी मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो मतलब काफ़ी बड़ा बन गया ये वाला ब्लॉग। तो नेक्स्ट ब्लॉग, मतलब अभी मैं इनको पढ़ाने बैठूँगी, और नेक्स्ट ब्लॉग हम शाम से लेकर अब, मतलब अभी थोड़ी देर के बाद से लेकर रात तक का नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा देंगे। तो अभी के लिए बाय। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग, जैसे खाने का भी इसमें हम ऐड करते जाएंगे, और कुछ आर्ट क्राफ्ट का भी साथ साथ में हम ऐड करते जाएंगे।